हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स। मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत। आज एक नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अमेरिका वीज़ा के लिए आप बायोमेट्रिक और एम्बेसी इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं VFS की वेबसाइट पर जाकर। तो आप इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है या फिर आप हमारी वीज़ा सर्विसेज चाहते हैं तो हम आपको इसके लिए असिस्ट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, मैं अपना हेल्पलाइन नंबर आपको मेंशन कर देता हूँ। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9643960456। आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनकेस आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा से रिलेटेड। तो अब चलते हैं आगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, VFS की वेबसाइट पर जाना है। और वहाँ पर जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में हमेशा की तरह इंडिया सेलेक्ट करना है और दूसरी तरफ आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद टेक मी टू द वेबसाइट पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा ये दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको इसको क्लोज करना है और आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर न्यू यूज़र पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ, मैं उसमें साइन इन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको कैटेगरी चूज़ करनी है। हम यहाँ पर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर आपको जाना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप स्टे कर रहे हैं। तो इंडिया में मैं दिल्ली में स्टे कर रहा हूँ तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आप किस भाषा में इंटरव्यू देंगे एम्बेसी में। तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, ये तीन ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर मैंने क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के अंदर। तो मैं यहाँ पर बिजनेस, टूरिज्म एंड ऑल अदर वीज़ा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, B1, B2 या फिर सिर्फ B2 आप अप्लाई करना चाहते हैं। B1 है विजिटर फॉर बिजनेस, जो बिज़नेस के लिए जा रहे हैं वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जो विजिट और बिजनेस दोनों के लिए जा रहे हैं वो B1, B2 पर क्लिक करें। जो इसके अलावा विजिटर जो घूमने जा रहे हैं और या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो वो B2 को क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी B2 वीज़ा पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद कंटिन्यू पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद अभी तक जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं वो आपको दिखाता है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के लिए मैंने यहाँ पर सारी रफली डिटेल्स ऑलरेडी फिल की हुई है। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर डालना है, आपको पासपोर्ट इशू डेट डालनी है, कब आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, पासपोर्ट के एक्सपायरी डेट यहाँ पर डालना है और कौन सी कंट्री से पासपोर्ट इशू हुआ है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करना है और नेशनैलिटी आपको चूज़ करना है। और आपका जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ मेंशन कीजिए, लास्ट नेम यहाँ पर मेंशन कीजिए इस तरीके से जिस तरह मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपका कंट्री ऑफ बर्थ आपको चूज़ करना है और नेक्स्ट में ऑप्शन में आपको जेंडर चूज़ करना है, मेल, फीमेल, जो भी आपका जेंडर है वो चूज़ कर लीजिए। उसके बाद DS-160 कन्फर्मेशन नंबर। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको DS-160 फॉर्म के बारे में सिखाया था। तो जब आप DS-160 फॉर्म फिल करते हैं तब आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, तो आपको ये रेफरेंस नंबर आपको वहाँ से लेकर कॉपी पेस्ट कर देना है। तो इसके अलावा अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर अपना ऐड कर दीजिए। उसके बाद अपनी मेल ID यहाँ पर दीजिए और आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर मैंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कोई दूसरे एप्लीकेंट्स भी ऐड करना चाहते हैं, दूसरे फैमिली या पर्सन जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड बाय नेम करके उन्हें ऐड कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते तो उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपकी एज 14 साल से कम है तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद पूछा गया है कि आपकी एज 80 साल या उससे ज़्यादा है तो उस पर नो सेलेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव प्रीवियस B2 प्लेजर ट्रिक, कि आपके पास B2 वीज़ा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है क्योंकि हम यहाँ फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर आप कुरियर चाहते हैं तो यहाँ पर प्रीमियम डिलीवरी पर आप क्लिक कीजिए। पिकअप करना चाहते हैं पासपोर्ट अपना, यहाँ पर अपना पिकअप पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अपना कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जब आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपका जो इसके बाद आपको चलान आपका जनरेट होता है। अभी 12,480 फीस आपको पे करने होगी चलान के थ्रू। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक का ऑप्शन है, यहाँ पर से आप कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल से
के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम एक्सिस बैंक के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ये आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, आपको इसको कैरी करना होता है बैंक में। ये आपका रेफरेंस नंबर है, ये आपको लेकर जाना होगा एक्सिस बैंक में और वहाँ पर अपने ये जो इंडियन करेंसी में 160 USD है उसकी पेमेंट करनी होगी। उसके बाद जो आपको रेफरेंस नंबर देंगे उसकी हेल्प से आपको आगे अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो जैसे ही वो रिसिप्ट देंगे, वो रिसिप्ट नंबर आपको डालना है, लगभग 24 से 48 घंटे में वो अपडेट हो जाती है पेमेंट। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर पेज दिखाई देता है जिसमें आपको VFS की अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है बायोमेट्रिक के लिए और एम्बेसी की अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों मेरे पास अभी कोई रिसिप्ट नहीं है तो मैं इसलिए अभी यहाँ पर ला के छोड़ दिया है आपको, आगे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।